पिज़्ज़ा बनाएंगे। पहले भी हम दो तरीके के पिज़्ज़े बना चुके हैं, आज हम लाइव व्लॉगिंग पे हैं तो इसलिए हम दोबारा पिज़्ज़ा बना रहे हैं। तो आइए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, अब हम पिज़्ज़ा की डो गूंथते हैं। ये हमने फ्लावर ले लिया है, ये हमारा 1 किलो फ्लावर है और इसके अंदर ईस्ट जो है हम 2 टेबलस्पून बड़े डालेंगे, 2 टेबलस्पून नमक, 2 टेबलस्पून जो है शुगर है हमारे पास वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, 2 अंडे इसमें डाल देंगे हम। और दूध जो है हमने गरम ले लिया है, हल्का गुनगुना अच्छा है, अच्छा खासा तेज गरम है। और ये ऑयल है, हल्के दूध से जो है गरम से हम इसको अच्छे से गूंद लेंगे। थोड़ा सा ऑयल पहले डालेंगे हम और फिर इसको अच्छे से गूंद लेंगे। आप लोग भी पिज़्ज़ा की डो घर में बनाएं, बिल्कुल आसानी से बन जाती है। पहले भी हम पिज़्ज़ा जो है बना चुके हैं, ये देखिए अच्छे से गूंद लेंगे। सॉफ्ट डो हमें बनानी है। अपनी डो को हम अच्छे से फिनिशिंग कर लेंगे और इसको रेस्ट करने के लिए हम 2 घंटे के लिए रख देंगे ताकि अच्छे से फर्मेंट हो जाए। जब ये फर्मेंट हो जाएगा तो फिर हम इसके पिज़्ज़े बनाएंगे। 2 घंटे के लिए इसको हम रेस्ट पे रख रहे हैं। चलिए जी, हम ये जो है पहले 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे हम इसके अंदर, 2 से 3 टेबलस्पून डाल सकते हैं। ये हमने बोनलेस का पूरा फ्ले ले लिया है वो हम इसके अंदर डाल देंगे। अच्छे से इसको भूनेंगे और जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट से अच्छे से भूनेंगे। ये हमने मसाले लिए हैं, चिली फ्लेक्स लिए है 2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून सॉल्ट लिया है, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून कुटा भुना ज़ीरा और 1 टेबलस्पून गरम मसाला हमने ये लिया है। ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे अभी। ये देखिए, हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ अच्छे से भून लिया है। अब इसके अंदर मसाले ऐड कर देंगे हम। थोड़ा सा हम 2 टेबलस्पून योगर्ट डालेंगे, डालेंगे थोड़ा सा विनेगर डालेंगे 2 टेबलस्पून, सोया सॉस डालेंगे 2 टेबलस्पून और चिली सॉस डालेंगे 2 टेबलस्पून। अच्छे से इसको कुक करेंगे, भुन जाएगा फिर आपको दिखाते हैं। चलिए जी, देखिए हमारी डो जो है अच्छे से राइस हो चुकी है। देखिए कितनी अच्छा सा ज़बरदस्त सा राइस हुआ है। इसको एक दफ़ा फिर फिनिशिंग दे लेते हैं हम। कितना ज़बरदस्त सा हमारा आटा अच्छे से गूंद गया है। हम बहुत अच्छे से अब ये अपना पेड़ा बना रहे हैं और अब हम इसको बेलेंगे, थोड़ा थिक बेलेंगे और थिन नहीं बेलेंगे ताकि जो है हमारी डो अच्छे से सही रहे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त हो चुका है, एक तरफ हमारा टिक्का हो रहा है और हमने चीज़ भी क्रश करके रख दी है। इसको थोड़ा सा और बेल लेंगे। चलिए जी, देखिए हमने बेल लिया है और अब हम इसमें ऑयल हल्का सा लगाएंगे और हल्का सा इसमें डस करेंगे। और ये ऐसे आराम से उठा के इसके ऊपर हम डाल देंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त हो चुका है। अब इसको साइडों में बिल्कुल साइड इसके ऐसे ले आएंगे ताकि हम इसके यहाँ पे चीज़ लगा सकें। हमारे कॉर्नर जो हैं वो सादे सादे नहीं रहेंगे, चीज़ वाले रहेंगे। चले जी, ये देखिए चीज़ लगा रहे हैं हम, थोड़ी थोड़ी लगा देंगे। ये मोज़रेला और चेटर है, दोनों मिक्स करके लगाएंगे। अच्छे से अपने साइड पूरे फिलअप कर देंगे हम। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा बन रहा है। अपने इसको ऐसे फिल करते जाएंगे और ऐसे साइड में करते चले जाएंगे। इधर थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, ये ऐसे करते जाएंगे। अब
ताकि हमारे साइड जो है सादे सादे ना रहें, बिल्कुल अच्छे से रहेंगे चीजी वाले। अब बीच में हम अपना टमाटो पेस्ट लगा लेंगे जो हमने बना के रखा है, पहले भी हम पिज्जे में होममेड बताना बता चुके हैं। ये देखिए ज़बरदस्त सा रेडी हो रहा है। अभी जी देखिए हमारी चिकन जो है अच्छे से रेडी हो चुकी है। तो फ्लेम ऑफ कर देंगे और थोड़ी थोड़ी चिकन जो है उसके ऊपर डालेंगे। इसके ऊपर साथ थोड़ी थोड़ी हम चिकन डाल रहे हैं, अच्छे से फिल कर देंगे। थोड़ा सा और डालेंगे जो हमारी जगह रह गई है। देखिए कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है। थोड़ी सी हम कैप्सिकम डालेंगे। आप चाहें तो जो आपको वेजिटेबल अच्छी लगे आप वो भी डाल सकते हैं। मैं दूसरे वाले में कॉर्न डालूंगी, इस वाले में कॉर्न नहीं डालूंगी। थोड़ी सी प्याज डाल देंगे। ऑलिव लगा देंगे। और थोड़ी हम चीज डाल देंगे ऊपर से। जबरदस्त सा चीजी पिज्जा बनेगा ये, हमारा रेडी हो जाएगा। थोड़ा हमने आलू डाल दिया, थोड़ी सी अब हम मोज़रेला डालेंगे। इसी से फिल कर देंगे अच्छे से। थोड़े से मिक्स हर्ब डालेंगे। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर आप चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा स्पाइसी खाना है तो। ये देखिए हमने बना दिया, कितना ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका है। अब हम इसको ओवन में रख रहे हैं, 180 डिग्री पे हम इसको रख रहे हैं 45 मिनट के लिए। मिलते हैं 45 मिनट के बाद। ये देखिए हम इसमें कॉर्न डाल रहे हैं। पहले वाले में हमने कॉर्न नहीं डाले थे, इसमें हम डाल रहे हैं। देखिए हम थोड़े से डाल दिए, बाकी हम बिल्कुल वैसे ही का वैसे ही है जैसे हम बना रहे थे। अब हम इसके ऊपर चीज़ लगा देंगे। हमारा पिज्जा रेडी हो चुका है। इंशाल्लाह आपको जरूर पसंद आएगा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दीजिए और आने वाली नई वीडियो का इंतजार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।